सह वीर्यं करवावहै केतजस्वेनाबाधीतमस्तु माविद्वेषावहै ओ शान्ति कान्ते शानते सर्वेभ्यो नमः देववाणी संस्कृतम youtube चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनाञ्च हार्दिक स्वागतम मित्रों लघु सिद्धांत कौमदी संपूर्ण अध्ययन कक्षा संख्या छियालीस को आज पढ़ेंगे पैतालीस कक्षा मैंने आपको पढ़ा दी शत चुवार तमी कक्षा चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा और मैंने आपको यहां तक पढ़ाया था एक सौ इकसठवा सूत्र आपको पढ़ा दिया था मैंने ठीक है जराया जरसन्न तरसिया ठीक है और यहाँ पर ये यह सारा मैंने आपको बता ही दिया था प्राय़ करके जो भी विशेष बातें बतानी थी आपको और इसके आगे यहाँ पर आचार्य वरदराजन महाराज जी ने आगे की शब्द की भूमिका बनाने के लिए कहा था कि अब हम आगे इस शब्द के रूपों पर विचार करेंगे इसके किस किस सूत्र इस शब्द के रूप बनाने में कौन कौन से नए सूत्र लगेंगे वो बताएंगे इससे बाकी इतना आपके लिए काफी है बाकी इसके विषय में और भी गहन आपको अः शंका समाधान की जिज्ञासा है तो फिर आपको सिद्धांत कौमदी की कक्षा में भाग लेना पड़ेगा सिद्धांत कौमदी भी इस YouTube चैनल पर अः तैयार की जा रही है ठीक है चलिए तो अब विश्वपाह के हम सब पी पहले तो आपको रूप दिखा देते हैं ये विश्वपाह शब्द के रूप है ठीक है विश्वपाह शब्द का अर्थ होता है पालनकर्ता ईश्वर ये देखिएगा ये हैं प्रथमा से लेकर के संबोधन और ये वचन द्विवचन एक वचन द्विवचन बहुवचन है ठीक है इसके रूप क्या बनेंगे पहले एक बार रूप देख लेते हैं विश्वपाह विश्वप विश्वपाह विश्वपाम विश्वपऊ विश्वपाह विश्वपा विश्वपाभ्याम विश्वपाभि विश्वपे विश्वपाभ्याम विश्वभ्यँ विश्व विश्वभ्याताभ्यँ विश्व विश्व विश्वतापोह विश्वपासु, हे विश्व हे विश्वपौ हे विश्व ठीक है इस प्रकार के रूपों की सिद्धि करनी है इसमें अधिकतर तो हमने पहले बना लिए हैं वैसे के वैसे ही वो ही सूत्र लगेंगे जहां पर विशेष होगा उस पर चिंतन करेंगे ठीक है चलिएगा देखिएगा अब सबसे पहले हम आपका रूप बनाएंगे ये बात ठीक है विश्वपाह ये क्या है विश्वम पाती याह विश्वपाह विश्व की जो रक्षा करता है क्या विश्व की जो रक्षा करता है उसको बोलते है विश्वपाह परम पिता परमेश्वर हमें यहाँ पर कोई इसके शब्द को बनाना नहीं है पूरा हमारा ये बना हुआ हमने शब्द ले लिया ले लिया विश्व पा यह शब्द है आपका कृत प्रत्यंग ध्यान देंगे ये तीसरे अध्याय में बनता है इससे क्या होता है प्रत्यय होता है प्रत्यय करना नहीं मैं आपको बस थोड़ा सा बता रहा हूं प्रत्यय होता है प्रत्यय भी होता है विट प्रत्यय भी होता है और ये प्रत्यय जो क्यूप है ये क्या क्या होता है इसका सब कुछ लोप हो जाता है कुछ बचता ही नहीं है तो ये विश्वपा जो शब्द है ये क्या है ये क्यूप प्रत्यय और क्यूप प्रत्यय कैसा है कृत प्रत्यय है इसका कृत नाम है तो ये शब्द कैसा हो गया प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण मान करके कृदंत हो गया क्या हो गया जी कृदंत अब कृदंत शब्दों की क्या हो जाती है कृतद्धित तो पता ही आपको कृदंत शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है तो इसकी क्या हो गई बोलो प्रातिपदिक संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद फिर वो जो हमने सारे सूत्र लगाए पहले राम आदि की सिद्धि में तो उसी प्रकार से यहां पर एक वचन का प्रत्यय की विपत्ति करेंगे तो एक वचन की विवक्षा में स्वाद्युत्पत्ति करके हमारा क्या प्रत्यय आ जाएगा ये आ जाएगा विश्व पा और ये आ गया आपका ठीक है सु हो गया इसके इत संज्ञा हो जाएगी क्या बचेगा आपका सा फिर इसका बिल्कुल राम के समान ही रुत्व विसर्ग आदि करके क्या बन जाएगा विश्वपाह इसमें कोई भी नया सूत्र आपको नहीं अब पारे सारे सूत्र नहीं बताऊंगा मैं आपको जहां जहां विशेषों होगा वही बताऊंगा तो विश्वपा तो बिल्कुल राम के समान ही बन गया है बस कृत प्रत्यांत है इसलिए कृत्य समाशाष से हमने इसकी प्राकृतिक संज्ञा कर ली अब आते हैं विश्व पऊ विश्व पऊ में आप ये हमारे पास में विश्व पा शब्द है प्रथमा व्यक्ति के द्विवचन की व्याख्या में प्रथमा व्यक्ति का द्विवचन का प्रत्यय आ जाएगा द्विवचन का प्रत्यय क्या है जी बोलो औ आउ। आउ। तो क्या है विश्व पा और औ अब यहां पर सबसे पहले क्या लगेगा आद गुण हाँ। क्या लगेगा बोलो आदि ये तो आपको पहले पढ़ा आद गुणा प्राप्त हो जाएगा फिर उसका अपवाद है वृद्धिरेची क्या है बोलो वृद्धि फिर लगेगा यहां पर रेची क्योंकि अवर्ण से उत्तर एच के परे रहते तो पूर्व पर के स्थान वृद्धि होगी इसका अपवाद है हो होगा तो यहां पर क्या प्राप्त हुआ वृद्धि प्राप्त हुई आ और औ को वृद्धि प्राप्त हुई औ रूप तो बन जाएगा परंतु इसका भी एक अपवाद बताया था हमने प्रथम पूर्व सवर्ण ये तो आपको याद ही होगा क्या बताया था प्रथम प्रथमा विभक्ति में अक से उत्तर प्रथमा व्यक्ति का जो वर्ण परे हो अच तो क्या हो जाता है पूर्व सवर्ण हो जाता है इसका अपवाद है ये अब यहां पर क्या प्राप्त होगा यह प्रथमा व्यक्ति का प्रत्यय है अक से उत्तर है तो इस सूत्र से क्या प्राप्त हो गया इस आ और इस को क्या प्राप्त हो जाएगा पूर्व सवर्ण हो जाएगा इन दोनों के स्थान में ऐसा प्राप्त होगा क्या प्राप्त होने लगा आ आ बना आ हो जाएगा इससे तो क्या बन जाएगा विश्वपा द्विवचन में विश्वपा बनेगा विसर्ग भी नहीं रहेगा आ विश्वपा यह बन जाएगा गलत तो कहते हैं कि भाई ऐसा है यहां पर एक सूत्र है ठीक है तो कहते हैं कि भाई ऐसा है यहां पर यह अनिष्ट रूप बन रहा है तो इसके लिए आगे अब सूत्र का अवतरण कर रहे हैं इस सूत्र को रोकना है क्या करना है इस सूत्र को रोकना है तो रोकने के लिए कहते हैं कि महर्षि पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में एक सूत्र पढ़ा है एक सौ बासठ मे छठ में अध्याय के प्रथम पाद का एक सौ पांचवा सूत्र है ठीक है इस सूत्र का अर्थ है इसमें ऊपर से नादीची इसके ऊपर सूत्र था नादीची हमने आपको पढ़ा दिया था ठीक है क्या सूत्र था नादीची की अनुवृत्ति आ रही है तो कहते हैं नादीची से क्या है इची की अनुवृत्ति आ रही है और ना की अनुवृत्ति आ रही है दीर्घा जसी इची परे पूर्व सावर्ण दीर्घो न कोई दीर्घ वर्ण है दीर्घ वर्ण अंत में है और उसके बाद में यदि जस प्रत्यय परे है प्रथमा व्यक्ति के बहुवचन का अथवा इच्छ का है प्रथमा व्यक्ति का इच्छ वाला प्रथमा द्वितीय दो विव्यक्ति आ प्रथमा का क्या है सू, सू तो नहीं आएगा आउ और जैसा आ गया अम अम भी नहीं आएगा क्या आ जाएगा आउट तो इच्छ में क्या आ जाएंगे अम और आउट आ जाएंगे आम और आउट तो यदि वो परे हो जस और जस परे हो तो क्या हो जाता है दीर्घ वर्ण से उत्तर होंगे तो प्रथम पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं कर पाता है रुक जाता है निषेध कर दिया अब ये हमारा शब्द क्या आता विश्व ध्यान दें विश्व पा और आगे था अब। ये इच में आ गया और ये दीर्घ है ये ये क्या है दीर्घ दीर्घ आ तो यहां पर निषेध हो गया निषेध हो गया तो अब क्या लगेगा वृद्धरेची क्या लग जाएगा वृद्धरेची वृद्धरेची से क्या हो जाएगा ये वृद्धि संधि होकर के आ और औ को दोनों को अव हो जाएगा विश्वपऊ बन जाएगा तो हट जाएगा ठीक है विश्व बन गया अब कोई यहाँ पर प्रश्न करने लगे कि यहाँ पर तो नादीची ची से ही रुक जाता नादीची ची से ही क्या हो जाता जो पूर्व स्वर्ण का निषेध हो जाता हो जाता क्योंकि हमारा क्या था ऐसा था विश्वपा और ये आऊ क्या कहता है अवर्ण से उत्तर ये अवर्ण में आ गया अवर्ण से उत्तर प्रथमा व्यक्ति और द्वितीय व्यक्ति का इच्छ कोई प्रत्यय परे हो तो उसको पुरुष वर्ण नहीं होता ये भी कर देता निश्चित कर देता फिर इससे क्यों किया दीर्घाज तो यहाँ पर ध्यान रखना है नादीची जो सूत्र है वो केवल अवर्ण में करता है अवर्ण में चाहे अरस्व हो चाहे दीर्घ हो ये जो दीर्घात जैसी दीर्घ है इसमें अवर्ण भी आ जाएगा इवर्ण भी आ जाएगा उवर्ण भी आ जाएगा रिवर्ण भी आ जाएगा ठीक है और ए आई ओ आउ ये भी आ जाए यहां दीर्घ कहा है तो दीर्घ विशेष में आ गया तो इसलिए दीर्घ से उत्तर यदि इच्छके पर रहते निषेध करेंगे तो इसी से करेंगे ठीक है तो इसलिए यहां पर दीर्घा जसी लगाया है तो विश्वपहू बन गया आपका शंका आए आपके आपके मन में तब के लिए नहीं आए तो कोई बात नहीं है ठीक नहीं तो आप कहेंगे जी आप सोचिए गुरु जी को पता नहीं है इसलिए गुरु जी ने बताया नहीं हमें तो पता है ठीक है अब है आगे विश्वपा बहुवचन में बिल्कुल विश्वपा भी यहां पर ऐसा ही है विश्व और पा और ये जस आ जाएगा पूर्वत ठीक है अब यहाँ पर ये बचेगा अब यहाँ पर क्या लगेगा पहले अका स्वर्ण दीर्घमण से सवर्ण दीर्घ प्राप्त हुआ तो यहाँ पर बन तो जाएगी सिद्धि दूसरी जगह नहीं बनेगी तो फिर फिर क्या लगेगा फिर दीर्घ दीर्घ से उत्तर है इसलिए दीर्घ से उत्तर जस के पर भी पूर्व स्वर्ण नहीं होता है वो यहाँ तो नादीची नहीं लग सकता क्योंकि ये जस का अस अस इच में नहीं आता तो यहाँ तो नादीची लग ही नहीं आता यहाँ दीर्घ जसी च मने दीर्घ से उत्तर यदि जस होगा तो भी उसको प्रथम एवं पूर्व नहीं लगता तो क्या लग जाएगा अका सवर्ण दीर्घ तो दीर्घ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ज जा विश्वपाह ऋतु विसर्ग होकर के विश्वपाह तो एक में भी विश्वपाह बन रहा है और दि बहुवचन बा, में, में भी विश्वपा बनना ये ध्यान रखेंगे एक वचन में भी विश्वपा बन गया विश्वपा और बहुवचन में भी बन गया विश्वपा कोई परेशानी नहीं है ठीक है ये सरल है बस ये ध्यान रखना है ये प्रसंग के अनुसार हम जान लेंगे कि ये एक वचन का है या बहुवचन का क्रिया को देख करके क्रिया बहुवचन की है तो बहुवचन है क्रिया एक वचन है तो एक वचन है ठीक प्रसंग हमको बता देगा अब इसके बाद में आते हैं संबोधन का जो संबोधन का तो हे विश्वपाहा, हे विश्वपाम, हे विश्वपाम। अच्छा ये संबोधन का हो गया आपका संबोधन में तो सरल कुछ भी नहीं है बस संबोधन में जैसे राम के बनाए थे वो जो सूत्र वहां लगे थे वो वहां लगेंगे द्विवचन में ऐसा ही बन जाएगा बहुवचन में भी संबोधन में ऐसा ही बन जाएगा ठीक है अब बात आती है द्वितीय व्यक्ति एक वचन की ठीक है द्वितीय व्यक्ति एक वचन की द्वितीय व्यक्ति एक वचन में क्या रूप बन रहा है विश्वपाम तो अब हमें क्या करना है विश्व पा और द्वितीय व्यक्ति का क्या आ गया पत्ति करके अम तो यहां पर भी रामम के समान जो सूत्र लगा था वो भी लग जाए यहाँ पर क्या है ये आपको पढ़ा दिया मैंने अमी पूर्व माने अम के पर रहते पूर्व पर के स्थान पर पूर्व रूप हो जाता है क्या हो जाता पूर्व रूप तो आ और आ के स्थान में क्या हो जाएगा आ हो जाएगा तो क्या बन जाएगा विश्व है फिर थी द्विवचन में आपका द्वितीय व्यक्ति द्विवचन में विश्व पऊ बन जाएगा जैसे ये बनाया था बिल्कुल तो अब कितने रूप बन गए आपके अब आपके रूप बन गए पांच पांच नहीं और दो आठ विश्वपाह विश्व विश्वपाह और संबोधन के भी बन गए हे विश्वपाह हे विश्वपऊ हे विश्वपाह और द्वितीय व्यक्ति एक वचन का भी बन गया विश्वपाम द्वितीय व्यक्ति द्विवचन का भी बन गया विश्वपाऊ अब आता है द्वितीय अभिव्यक्ति बहुवचन का रूप अब इसको सिद्ध करने के लिए आगे कुछ सूत्रों की भूमिका बनाएंगे ध्यान रखेंगे ठीक है अब मैं आज की कक्षा में इसको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि इसके लिए आपको विश्व विश्वपाह बनाने के लिए मुझे कितने सूत्र पढ़ाने पड़ेंगे यहां से पढ़ना पड़ेगा सुडनपुंस्या स्वादिस्व सर्व नाम स्थान यचि भम आकडारा दे का संज्ञा आ तो, धा तो हो आतोधातो तो हो इतने सूत्र पढ़ाने पड़ेंगे तब ये सिद्धि विश्व ठीक है अब व्यक्ति का जो रूप है वो आगे की कक्षा में ही पूरा पढ़ाऊंगा उसमें केवल एक ही रूप पढ़ा पाऊंगा ठीक है तो चलिएगा तो अब आज की कक्षा को यहीं विराम देंगे इन सूत्रों को एक बार आप पढ़ लीजिएगा पहले मेरी कक्षा को पढ़ने से पूर्व इन सूत्रों को एक दो तीन चार पांच इन पांच सूत्रों को देख के आइएगा फिर मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा ठीक है तो चलिएगा आज की कक्षा छोटी कक्षा है कोई बात नहीं सर्वेभ्यो नमः